देश के सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी जल्दी भारतीय बाजार में अपने छोटे और बजट सेगमेंट के भाइयों के लिए जबरदस्त एसयूवी कार के साथ मार्केट में तहलका मचाने को तैयार हो चुकी है। आज के स्मार्ट जमाने में कम बजट में कार लेने का सपना हर कोई ग्राहक अपने पूरा करना चाहता है और मारुति सुजुकी देश की सस्ती कारें बनाने के लिए और साथ ही साथ बेचने तक के लिए जानी जाती है। मार्केट में इस बार मारुति सुजुकी अप्रैल के महीने में कुछ धमाकेदार एंट्री के साथ अपनी सबसे पॉपुलर और सस्ती कार YTB से पर्दा उठाने वाली है, जिसका इंतजार काफी लंबे समय से मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा चलते आ रहा है। YTB को कई बार टेस्टिंग के मौकों पर भारत की सड़कों पर भी देखा जा चुका है और ये कार हुए ऑटो एक्सपो में भी अपनी झलक दिखा चुकी है। इस बार अब इस कार को लॉन्च होने का समय पूरा हो चुका है। आइए फिर YTB के सभी डिटेल के बारे में इस वीडियो में बात कर लेते हैं, जो कि कार को लेने में आपकी काफी मदद करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। कार जितना शानदार डिजाइन और लुक के चलते मार्केट में दस्तक देने वाली है, उतना ही कम बजट में हर किसी की कार लेने का सपना पूरा करने के साथ ही साथ कार में दमदार फीचर्स की लिस्ट भी आपको स्मार्ट जमाने के साथ इस कार में मिलने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए कार के लुक और डिजाइन की ही सबसे पहले बात कर ली जाए, जो कि मार्केट में हर किसी को इस कार ने दीवाना अपना बना रखा है। वीडियो के अंदर आने वाली मारुति सुजुकी की पैरी माइक्रो एसयूवी कार YTB को आप देख पा रहे हैं कि कार का लुक पूरी तरीके से 4x2 के डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। ये कार टाटा पंच से लेकर रेनॉल्ट्स की काइगर जैसी कारों की छुट्टी चुटकियों में कर सकती है, क्योंकि कार में शानदार लुक, पूरा फ्यूचरिस्ट डिजाइन और स्मार्ट यूथ को ध्यान में रखते हुए कार को एक स्पोर्टी लुक भी दिया गया है। फ्रंट लुक पे गौर किया जाए तो देख लीजिए, YTB में आपको बिल्कुल पतले डिजाइन के स्लिक प्रोजेक्टर लाइनअप मिलने वाले है, जो कि इस कार की शाइन को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही है। साथ ही साथ उसके नीचे लगी डे टाइम रनिंग लाइट्स इस YTB को और भी खूबसूरत बनाने में बरकरार रख रहे हैं और आने वाली YTB में कंपनी ने अपनी न्यू रेटिनाइन अपडेट ग्रिल का इस्तेमाल क्लोम अंदाज के साथ किया है, जिसके चलते मैट ब्लैक ऑप्शन के साथ सुजुकी का लुको भी शानदार इस कार को मार्केट में बना रहा है। मारुति सुजुकी ने अपना पहला प्रोडक्शन माइक्रो एसयूवी कार YTB को एक स्पोर्टी लुक देने के साथ ही साथ एक हैवी डिजाइन भी दिया है, जिसके चलते कार का बम्पर भी नजर आता है। कार के बम्पर पे गौर किया जाए तो सिल्वर लाइनअप के साथ वुडन तक का स्टाइल और शानदार मैट ब्लैक ऑप्शन में जबरदस्त बम्पर को डिजाइन दिया गया है, जिसके चलते फॉग लैंप भी आपको नजर आ जाते हैं, जो कि कम बजट में इस कार को शानदार लुक दे रहे हैं। आखिरकार YTB के साइड प्रोफाइल पे गौर किया जाए तो भारतीय बाजार के तंग रास्ते, उबड़ खाबड़ सड़कों को ध्यान में रखते हुए इस कार के अंदर आपको पूरे 17 इंच के बड़े टायर्स भी नजर आते हैं, जिसमें कंपनी फिटेड अलॉय व्हील ऑप्शन की सुविधा YTB में दी गई है, यानी बाहर से अलॉय व्हील नहीं लगवाने पड़ेंगे और आने वाली YTB के ग्राउंड क्लीयरेंस को भारतीय बाजार के तंग रास्ते, उबड़ खाबड़ सड़कें और ऑफ रोडिंग के दीवानों को ध्यान में रखते हुए ऊंचा रखा गया है, जिसके चलते कार की राइड और भी ज्यादा मस्त होने वाली है और साथ ही साथ कम झटके और बेहतरीन स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम सिस्टम के साथ ऑफ रोडिंग का सपना अब 3 से 4 लाख रुपए के बजट सेगमेंट में इस कार को लेकर पूरा हो सकता है। इतना ही नहीं, आने वाली YTB के हैंडल्स बार पे नजर डाले तो देख लीजिए, टच सेंसर लॉकिंग सिस्टम के साथ इस कार के हैंडल्स बार को स्मार्ट जमाने के साथ तैयार और डिजाइन दिया गया है। साथ ही साथ कम बजट में मारुति सुजुकी की इस छोटी माइक्रो एसयूवी कार में दोनों साइड विंग्स में एक्शन कैमरे जैसी प्रणाली, जो कि मार्केट में इस कार को कई सेगमेंट की कारों से कम बजट में काफी खास बना देती है। स्मार्ट लुक के साथ अगर स्मार्ट इंजन भी कार में मिल जाए तो मजा ही जैसा कि कार में आ जाए। तो मारुति सुजुकी अपने माइलेज और परफॉर्मेंस वाली बनाने के साथ कारों को जानी जाती है और कम दामों में इन कारों में शानदार बाइक के जितना माइलेज आपको भारतीय सड़कों पर हर बार देखने को मिलता है और स्मार्ट जमाने के साथ हमारी YTB जितना खूबसूरत और शानदार नजर आती है, उतना ही ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस YTB जैसी कार में इंजन का इस्तेमाल कंपनी ने कर डाला है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात कर ली जाए फाइनली YTB के इंजन तथा पावर के बारे में। तो इस कार के अंदर आपको 2.0 लीटर का 3 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस पेट्रोल विकल्प ऑप्शन मिल जाता है, जिसके चलते ये मॉडल भारतीय बाजार की सड़कों पर 180
bsp तक के मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 190 nm तक का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखती है। आने वाली YTB में आपको 5 स्पीड EMT से लेकर 5 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ माइलेज की बात कर ली जाए तो मारुति सुजुकी की YTB माइक्रो SUV कार जो कि प्रति लीटर में 28 से लेकर 30 के आसपास यानी भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार ऑल्टो के बराबर माइलेज दे पाने में क्षमता रखेगी। इंजन से लेकर लुक के मामले में तो इस छोटी कार ने मार्केट में हर किसी कारों को पीछे छोड़ दिया है, मगर स्मार्ट जमाने में कंपनियां भी अपनी स्मार्ट कारों को लॉन्च करने में लगी हुई है, जिसमें महिंद्रा से लेकर टाटा जैसी कंपनियों की कारें तो पहले ही मार्केट में दबदबा बना चुकी है, मगर मारुति सुजुकी की कारें लॉन्च से पहले ही प्री बुकिंग के दौरान अपना आंकड़ा क्लास कर लेती है, मगर इस बार YTV भी कुछ धमाल मचाने के लिए तैयार हो चुकी है। बता दें कि आज के स्मार्ट जमाने में हर कोई ग्राहक अपनी कार को लेने से पहले फीचर्स में भी जरूर गौर करता है और हर कोई चाहता है कि कम बजट में कार भी ली जाए और शानदार फीचर्स भी उस कार में मिल जाए। तो लीजिए मार्केट में मारुति सुजुकी की पहली माइक्रो SUV कार YTV में उन सभी फीचर्स आपको मिलने वाले हैं जो कि आपके लिए कार लेने का सपना पूरा करने के साथ कार में एडवांस फीचर्स से आपको रूबरू भी करवाने वाले हैं। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आने वाली YTV के फीचर्स से लेकर इंटीरियर की तरफ भी गौर कर लेते हैं। तो वीडियो के अंदर आने वाली YTV के आप इंटीरियर और डैशबोर्ड पे नजर डाल पा रहे हैं। पहले ही झलक में प्रीमियम फील तो आपको आने ही वाला है क्योंकि बैठने के बाद कार का डैशबोर्ड जो सामने नजर आने वाला है। कार के डैशबोर्ड में ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ वुडन टक का लाइनअप आपको दिखाई देता है जो कि कम बजट में इस कार को प्रीमियम कई सेगमेंट की कारों से बनाता है। दोनों साइड YTV में नए डिजाइन के क्रोम अंदाज के साथ ऑटोमेटिक AC वेंट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ 2.0 तक प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन भी इस बार इस कार में दिया गया है। आने वाली YTV में 1.2 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पैनल ऑप्शन भी नजर आता है और साथ ही साथ सेंट्रल कंसोल की शान बढ़ाने वाला इस कार में 8 इंच के फुल साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कंपनी ने कर डाला है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट नेविगेशन सिस्टम और UVI कनेक्टिविटी कंट्रोल और वॉइस का मान और शानदार AI जैसे फंक्शन आपकी छोटी बजट सेगमेंट की कार में मिलने वाले हैं, जो कि आपको भी स्मार्ट बनाने वाले हैं। एडिशनल फीचर्स पे गौर किया जाए तो इतना ही नहीं, YTV एडवांस है क्योंकि इस कार में आपको वायरलेस चार्जिंग, एडवांस चार्जिंग और साथ ही साथ मॉसी के 3 साउंड स्पीकर ऑप्शन, पुश इन स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ तक कि कम बजट में एम्बिएंट लाइटिंग जैसा शानदार फंक्शन आपको इस कार में दिया गया है। अब सेफ्टी फीचर्स की चिंता नहीं है, मार्केट में अगर YTV के सेफ्टी फीचर्स पे अगर गौर कर लिया जाए तो इस कार को पूरे ग्लोबल NCAP क्रिस्टस मानकों के तहत पूरे 5 की रेटिंग मिल चुकी है। साथ ही साथ 90% तक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। मार्केट में YTV की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। कार को 2 विकल्प ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। बेस वेरिएंट की स्टार्टिंग कीमत 3.60 लाख रुपीज एक्शन प्राइस होने वाली है। तो देरी किस बात की, तो अगर आप भी इस गर्मी के मौसम में अपनी कार लेने का सपना और AC की हवा ठंडी खाना चाहते हैं तो YTV को आज ही बुक करने के लिए कमेंट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इस जल्दी दम जमाती हुई कार को बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।